हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो है ये भारत में राष्ट्रवाद है, जो कि सामाजिक अध्ययन से है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप में मीन्स की इससे पहले की जो बुक्स थी उसमें हम लोगों ने देख चुका है और पहले के चैप्टर्स में कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद किस तरह से विकसित हुआ और किस तरह से मीन्स कि लोगों की समझ बदलने लगी। लोगों की जब समझ बदलने लगी तो उनकी पहचान भी किस बात से प्रभावित होती थी ये चीज़ें भी बदलने लगी, उनकी भावना भी बदल गई थी और उनमें जो है कि राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा था और उनके प्रतीक चिन्हों गीतों विचारों और संपर्क स्थापित किए समुदाय की सीमाओं में दोबारा कर दिया। मीन्स की जो यूरोपीय देश हैं उनका जो विचारधारा है और जो समझ है वो जो है किस तरह से चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और इसी तरह से जैसे कि वियतनाम है और दूसरे उपनिवेश हैं, मीन्स कि वो देश जहाँ पे विदेशी आके वहाँ पे व्यापार ज़्यादा करते हैं, उसी तरह से भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का जो है उदय होने लगा। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में यह जो राष्ट्रवाद है वो कब से पैदा होना शुरू हुआ और वो किस तरह से हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे और जो है कि इसमें क्या है कि जो बाहरी जो लोग आके भारत में व्यापार करते थे वो जो है भारत में विभिन्न विभिन्न वर्ग थे और उन सब वर्गों से जो है अलग अलग व्यवहार वो करते थे और अलग अलग व्यवहार करते थे। और इसलिए जो है कि हर वर्ग में जो है हर वर्ग का जो विचार और व्यवहार था वो भी समान नहीं था, उनके अनुभव भी अलग अलग थे। ठीक है, अब हमने जो है कि क्लास 8 में ही ये पढ़ लिया है। ठीक है, कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया था हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो 1920 का जो दशक था और उसके बाद के जो दशक थे, ठीक है, तो उनमें क्या क्या चीज़ें हुई और जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ इसके बारे में हम लोग क्लास 8 से ही शुरू कर चुके हैं। लेकिन उसके आगे क्या क्या हुआ, कैसे ये आंदोलन हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और यह देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी है। ठीक है, यह जो तस्वीर है यह है 6 अप्रैल 1919 की। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़क पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। ठीक है, तो जब 6 अप्रैल 1919 की ये बात है कि वो ये जो समय था ना, उस समय यह जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, और इस आंदोलन के लिए सड़कों पे इस तरह से भीड़ जो है कि निकलती थी, तो यह जो है कि आम बात थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग इसमें पहला विश्व युद्ध देखेंगे, खिलाफत और असहयोग देखेंगे। तो 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन इन इलाकों तक फैल गया था। मीन्स कि 1919 तक जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है हर तरफ चल रहे थे, उनमें नए सामाजिक समूह जो है शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे और मीन्स कि और इसके परिणाम क्या क्या हुए थे। सबसे पहली बात कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। मीन्स कि लोग जो रक्षा करते थे, मीन्स कि अपने देश की रक्षा करने के लिए जो हमें सैनिक चाहिए और सैनिकों के पास हथियार चाहिए, उस सब में जो है इजाफा हुआ था, वो सारी चीज़ें बढ़ गई थी। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। मीन्स कि जो टैक्स हम भरते हैं, जो कर हम देते हैं सरकार को, जो कि सभी लोग देते हैं, फार्मर से किसान से लेकर सभी लोग,
तो कर्जे जो कर थे मीन्स की जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए गए, और युद्धों की भरपाई के लिए क्या किया गया, कर्ज भी लिए गए थे, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर भी शुरू किया गया। मीन्स आयकर मीन्स की जो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो कितना पैसा पाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगाया गया। युद्ध के दिनों कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। और उस समय जो है कि 1913 से लेकर 1900 के बीच कीमतें, हर चीज हर वस्तु बहुत महंगी मिलती थी। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। और ये 1918 और 19 में जो है, और फिर 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था, ठीक है। तो 1919-20 और 21 में भी ना बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, और इससे क्या हुआ कि खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया था। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई थी, ठीक है, फ्लू भी फैला था। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए, ठीक है। तो 1 करोड़ 1.5 करोड़, आप समझ रहे हो, लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और तरीका पेश किया, सत्याग्रह का विचार। यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है जनवरी 1950 में भारत लौटे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, मीन्स कि महात्मा गांधी जो जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, ठीक है, 1915 में भारत लौटे थे और वे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है, उन्होंने एक तरह का आंदोलन मीन्स कि जन आंदोलन शुरू कर दिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में, यह फोटो जो है 6 नवंबर 1913 का है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक्स से गुजरते हुए, ठीक है। ये 6 नवंबर 1913 से न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर और श्रेतों के अधिकार का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि उन्होंने एक नए तरह का आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए एक आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा ले लिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकारने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होगी होती है। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी जातियों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। उसके बाद क्या हुआ, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। मीन्स कि भारत आए गांधी जी तो कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया।
फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेरा मींस की फसल खराब हो गई थी और प्लेग की महामारी फैली थी तो इसके कारण खेरा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे थे। रॉयल एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉयल एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीति गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। देखिए, सत्याग्रह के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार होता है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकता है। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। ठीक है, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें किलो जलती है और अहिंसा सर्वोच्च धर्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, अंग्रेज जो हैं युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जो अंग्रेज थे, मीन्स कि जो यूरोप के जो लोग थे ब्रिटेन के, उनका मुकाबला भारत के लोग लड़ के नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू थे, उन सब के पास भी हथियार थे। और इसलिए हमने जो है कि इंडिया ने या भारत ने एक अलग तरह से अपनी लड़ाई लड़ी। इस तो यहाँ पर रॉयल एक्ट को हम फिर से समझ लेते हैं कि 1919 में प्रस्तावित रॉयल एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चलाते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में जो है कि रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, सभी शहरों में और जो है कि रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया था। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा वे टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक डकानों और पर हमला करने लगे। मार्शल ला लागू कर दिया गया और जनरल डायर की कमान संभाली थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो था 13 अप्रैल को जो है जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल को उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे।
ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग है, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यहाँ मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर लोगों के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। मीन्स कि शहर के बाहर होने के कारण वो, क्योंकि शहर के बाहर था मैदान, यह मैदान चारों तरफ से बंद था। इसमें एक चीज़ और थी कि यह जो मैदान था चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था, मीन्स कि शहर वहाँ पर ना शहर से बाहर से भी लोग आते थे मेला देखने, और वो लोग जब गए थे वो पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो इन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। तो जो जनरल डायर था वो जो जिसने की कमान संभाली थी, जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही मैदान के बाहर निकल के सारे रास्ते बंद कर दिए। ठीक है, कर दिया। उसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसके बाद क्या हुआ कि सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। मीन्स कि यह जब एक्ट जो है, रॉयल एक्ट तो पारित करा लिया गया था बहुत सारे आंदोलन करके। ठीक है, इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी जैसे कि एक जो एक्ट था, ये रॉयल एक्ट, यह जो है कि बहुत ही खराब एक्ट था। और जो गांधी जी थे वो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। भारतीय सदस्यों के भारी भारी विरोध के बावजूद इस कानून को, मीन्स कि जो जो गांधी जी थे वो सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे और उन्होंने रॉयल एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। ठीक है, राष्ट्रव्यापी उनका यह आंदोलन जो था राष्ट्रव्यापी था, और क्योंकि यह जो यथी था एक्ट था ना, इसके तहत क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचला जाएगा और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंद रखा जा सकता था जेल में। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ हिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चलाना चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। ठीक है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। मीन्स कि यह जो एक्ट पारित हुआ इसका विरोध होने लगा था, देशव्यापी विरोध होने लगा था। ठीक है, अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश करने पर जो है कि पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। जो पुलिस थे वो तो अंग्रेजी थे, मतलब कि ब्रिटेन के ही लोग थे, और यहाँ पे ये लोग जो हैं कि ये बस लड़ना ही जानते हैं। और हथियार सर में एक शांतिपूर्ण गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मीन्स की जो पुलिस थी और जो अंग्रेज थे वो अपने तरह से एक्ट लगा रहे थे, इंपीरियल एक्ट लगा रहे थे, और लोगों को जो है कि अपना जीवन नहीं जीने दे रहे थे। तो लोग भी जो है कि मार्शल लॉ लागू कर तो नहीं, तो क्या हुआ कि लोग भी अपना गुस्सा जो है शो करते थे बैंकों पर, डाकखानों पर, रेलवे स्टेशनों पे हमला करके। उसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और उसमें जनरल डायर ने कमान संभाली। और यह जो है क्या होता है कि इसमें जो है कि मीन्स की
यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को, सिपाही जो थे वो लोगों को घसीट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो कहते थे कि ऐसे चलो, ठीक है। तो अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जाना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शहर से बाहर होने के कारण वहाँ पे, तो अब ये अमृतसर में 13 अप्रैल को, उस 1919 में ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत कर मैदान में जमा हुए थे। मीन्स कि एक मेला लगता था जलियांवाला बाग में, वहाँ पे बहुत सारे शहर से और गाँव से लोग जुटते थे। इन लोगों को ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है और जनरल डायर जो था हथियारबंद सैनिकों को लेकर वहाँ जलियांवाला बाग पे पहुँच गया। और वह मैदान जो है चारों तरफ से बंद था और जो वहाँ पे आने जाने का जो रास्ता था जलियांवाला बाग का, उसको उन्होंने सिपाहियों से बंद करा दिया। और फिर वहाँ पे उन पे गोलियाँ चलाई गई और इन गोलियों को चलाने का उद्देश्य ये बताया गया कि वो जो है कि इनको डराना चाहता है। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, ठीक है। तो जैसे जैसे यह खबर फैलती गई तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे थे, ठीक है। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कूड़े मारे गए और गाँव गुजरांवाला पंजाब बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। मीन्स कि जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। तो ये जलियांवाला बाग की खबर जैसे फैली तो उत्तर भारत में बहुत सारे लोग जो है सड़क पे उतरने लगे और बहुत सारी हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया, ठीक है। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव में पंजाब के गांव में बम बरसाए गए और इस तरह से आंदोलन हुए। भले ही और जो है कि इस तरह से जब लोगों को परेशान किया जाने लगा तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रालट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की ही की हार हो चुकी थी। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की की हार हो गई थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन, मीन्स की यह बात फैली हुई थी कि इस्लामिक जो है मुस्लिम विश्व के आध्यात्मिक नेता जो है खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ने महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए था। असहयोग आंदोलन ही क्यों लाया गया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन
भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। मीन्स कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंद स्वराज लिखी थी 1919 में, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश का जो शासन है भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, रियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मी में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर शंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें यह भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विधायकों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, यहाँ पे हम देखेंगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जुलाई 1922 में हुआ था। यहाँ पे है, विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। मीन्स कि असहयोग करने का, मीन्स कि उनको सहयोग नहीं दिया जाए, 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। ठीक है, शहरों में भी आंदोलन होने लगे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की साझेदारी से हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांत में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 में 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश में विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए।
अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र से पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगा करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल तक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि किसानों ने ऐसा ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर कोई निसारी करवाई आकांक्षाओं को भी ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुड़ेम पहाड़ियों 20 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी अन्य जो थे क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलाने के लिए लकड़ियां और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्से थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू का दिलचस्प व्यक्तित्व था। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। जो कि व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों ने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुड़ेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके। बगानों में स्वराज, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। उन्हें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की
अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। वो लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रह गए। उन्हें और बहुत बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टिकोण को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था, उनका अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। जब सारे कष्ट मुसीबतें खत्म हो जाएंगे, फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसा आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों कीमतें गिरने लगी कि बात तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों कार्यों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
कांग्रेस का तेज तरार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। उदारवादी और जो उदारवादी लोग थे मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियल के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा और समय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थीं। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब इस सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर एक पर कर और उसके अंदर सरकारी। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर की मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दंडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते वहां हजार लोग उन्हें सुनने आते। स्वभाव में गांधी जी ने स्वराज का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। घंटा यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेज का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के नमक हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीन के से चराने लगे, आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार अंग्रेजी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के संपर्क के समर्पित साथी अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तर बंद गाड़ियां पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी नगर पालिका भवनों अदालतों रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए।
महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकारी राजनीतिक कैदियों के रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्होंने निराश वापस लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनकारियों और बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? तो हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी पूरा नहीं हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, इसके बारे में हमने इतना तो समझ लिया कि यह आंदोलन किस लिए था और जो है कि इसको किस तरह से भारत में चलाया गया और इसका लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया और कैसे यह जो है कि यह मददगार साबित हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा।